जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं आपके साथ लाइव हूँ। आपको सऊदी अरब से एक छोटी सी अपडेट देता चलूँ। यहाँ पर जैसा कि आप सब भाइयों को पता है, जितने भी हम सऊदी अरब में मुकीम भाई हैं, खारजी भाई, आप सब भाइयों को पता है, आप तस्वीर में देख भी रहे होंगे, हम भी सऊदी अरब में भाई की छोटी ईद ईद उल फितर यानी कि ईद उल फितर की नमाज हमने कैसे पढ़ी थी सऊदी अरब में या नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मस्जिद में तो भाई तकबीरें वगैरह दी गई थी, नमाज नहीं हुई थी, ये आप सब भाइयों को पता है ना। तो कुछ मेरे भाइयों ने तो घर पर पढ़ी थी और कुछ ने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। जब इमाम ही नहीं है, खुतबा ही नहीं है ईद का, तो ईद नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ेंगे? तो फजर की नमाज पढ़ी और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब तकबीरें वगैरह खत्म हुई है मस्जिद से, तो एक दूसरे को गले लगाया, जफ़ी डाली, ईद मुबारक कहा है और बस वो जो बनाया बनाया था, खाया पिया, इंजॉय मंगाया किया। हालांकि कर्फ्यू भी चल रहा था, 5 दिन ईद के कर्फ्यू भी था, आप सब भाइयों को पता है। तो अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जी एक अनाउंसमेंट कर दी गई है ईद उल अजहा यानी कि बड़ी ईद से मुतल्लिक, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूं। आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी रखे होंगे, अखबार अल सऊदिया और अखबार अल अजल की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि ट्विटर पर दो बड़े अकाउंट है भाई सऊदी अरब में, उनके मुताबिक आज सऊदी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐलान कर दिया है कि सऊदी अरब में ईद उल अजहा बड़ी ईद मस्जिद में और जो ईदगाहें मखसूस की जाएंगी इस ईद की नमाज के लिए, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद नमाज भाई पढ़ी जाएगी। तो आपको भाई मैं यहां पर एक और अपडेट देता चलूं, यहां पर के आपको कुछ शराइत लागू होंगी इस पर के आप अगर मस्जिद में जाते हैं या ईदगाह जाते हैं इस ईद नमाज की नमाज के लिए, तो आपको कुछ चीजों पर अमल करना होगा। जैसा कि आपको अपने साथ जान नमाज ले जाना होगा, आपको मास्क लगाकर जाना होगा। अगर मस्जिद के अंदर भाई आप बैठे हैं तो वहां पर तो वो निशान वगैरह लगे होते हैं, वहां पर ही आप बैठेंगे। उसके अलावा अगर आप भाई कहीं और बैठते हैं मस्जिद से बाहर, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास जान नमाज होना चाहिए या ऐसा कुछ साफ कपड़ा होना चाहिए और 1 से 2 मीटर के फासले पर हर बंदे से दूर बैठिएगा। बिल्कुल नजदीक हो, नजदीक एक दूसरे के साथ मिलकर मत बैठिएगा, 2-2 मीटर का ज्यादा फासला रखिएगा और 2 मीटर का फासला बेस्ट है। अगर आप एक से दूसरे बंदे के दरमियान 2 मीटर का फासला रख के बैठते हैं तो ईद नमाज आप पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद में, मस्जिद के बाहर आपको जगह मिल जाए या वो जगह जहां जो मखसूस की गई जाएंगी ईद नमाज के लिए, वो बड़े ग्राउंड वगैरह ही होते हुए वहां पर तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह जगह काफी मिल जाती है। तो ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भाई एक अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ईद उल अज़हा के मुतल्लिक, अल्हम्दुलिल्लाह के ईद उल अज़हा इस बार मस्जिद में पढ़ी जाएगी।